तो कमेंट अपने भाइयों के पड़े बोलते कि भाई तीन ही बंदे थे तो उसमें भी आपका गोल्ड आ गया। तो मैं उन भाइयों को एक खुला चैलेंज देना चाहूँगा, मतलब ओपन चैलेंज बिल्कुल। ना तो भाई मैंने किसी कंट्री के बंदे को मना करी थी, ना मैंने किसी कंट्री के बंदे को 20, 60, 70, 80 ज़्यादा हो गई तो देख रहे हो, ये है $270 जो कि हमारे चार्जेज है, खाली बेडशीट जो खराब हुई है गंदी करने के टैनिंग के, और तौलिए तीन डबल, ठीक है। नहीं पहली नहीं दूसरी चीट भी होने वाली है, ये अपने हो रहे डबल। और तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो लीजिए भाइयों, ख़त्म हुई अपनी चैंपियनशिप, और कहते हैं ना कि बुरा समय जो है वो धीरे 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 गुजरता है, और जैसा कि अच्छा समय होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता है। तो पता ही नहीं चली 6 से 10 कब गुजरगी और कब आज हमारा वापस जाने का टाइम आ गया। तो सुबह उठते ही सबसे पहले पैकिंग करी है, फिर मैं नहाया हूँ और अब मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने। बाकी बहुत अच्छा कंपटीशन था, मैंने एक दो कमेंट अपने भाइयों के पढ़े बोलते कि भाई तीन ही बंदे थे तो उसमें भी आपका गोल्ड आ गया। तो मैं उन भाइयों को एक खुला चैलेंज देना चाहूँगा, मतलब ओपन चैलेंज बिल्कुल। ना तो भाई मैंने किसी कंट्री के बंदे को मना करी थी, ना मैंने किसी कंट्री के बंदे को बोली थी कि भैया मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरे साथ मत खेल। आप एक मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, 2 से 3 लोगों ने ना जब उन्हें पता लगी थी नितिन 90+ में है तो उन्होंने अपना वेट चेंज कर दिया। मतलब वेट कैसे चेंज कर लिया कि बात बात करके किसी का वेट 92 था तो उसने 85 to 90 में खेले ऐसे करके, ठीक है जी। तो बोलना जुबान चलाना बहुत ईजी है, कुछ करके दिखाओ, थोड़ी बहुत आगे मेहनत करो। और बाकी ओवरऑल की जो मेरी फाइट है उसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बॉडी मुझे मेरी बहुत अच्छी लगी। बट मैं सेटिस्फाई इस कारण हो गया कि ठीक है नितिन, तूने भी अपना 100% नहीं दिया और हाथ में भी चोट लगी पड़ी थी, तो कोई बात नहीं, पहले हाथ की चोट ठीक करेंगे, देन उसके बाद अपना पूरा 1000% लेके मैं स्टेज पे आऊँगा। तो बोलने को तो बहुत बातें हैं भाई, बस उन भाई को ये बोलूँगा जुबान भी नाटी की है, कैसी चला लो जैसे तुम्हारा मन करे, करके दिखाओ कुछ जीवन में। यहाँ खड़ा हूँ मैदान में, आओ और मुकाबला करो आगे किसी भी चीज़ में, ठीक है जी। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, नहीं कोई नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी, देन उसके बाद पहले आपको भी पैकिंग खाते रहो। पैकिंग तो हो चुकी है, सारे सब कुछ कर दिया, ये बॉडी वॉश खुल गया था, इसे यहीं छोड़ देंगे और बाकी पूरा रूम दिखाता हूँ क्या पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है। देखो ओट्स खुल गए थे तो ओट्स भी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, रात को आइसक्रीम खाई थी रखे कप्स, ठीक है, कोई कहेगा यहाँ पे इंसान रुके थे। ये रहा बैकपैक, ये रहा अपना दूजा फोन। भाई पैसे वैसे चेक कर लिए, ले लिए सारे? चलो तो चलते हैं, पूरा सेट हो चुका है भाइयों, नहा धो के हम भी रेडी, थोड़ा सा परफ्यूम लेंगे कहीं से, परफ्यूम ढूंढेंगे और इनका ये इसी हवाले छोड़ के चलो। तो भाई ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, कुछ अलग है, चावल, छोले, चपाती, चिकन सॉसेज, अरे कोई टिक्की है, बाकी रहे फ्रूट्स वगैरह। चलो ले लिया, लो जो भाई ये ब्रेकफास्ट फ्रूट्स, थोड़े से चौकोस और ये सब। चलो करते हैं शुरू। देखो ये कितने आप लोग सोचते हो कि हम मजाक कर रहे हैं, है ना, ये 100, 150, 35, 35 और 55, 60, 70, 80 ज़्यादा हो गई है। देख रहे हो ये है $270 जो कि हमारे चार्जेज है, खाली बेड शीट जो खराब हुई है गंदी करने के टैनिंग के, और तौलिए तीन डबल, नहीं है गुरु, इंडिया के वो है 1500-2000 रुपए। अच्छा 100 रुपए, 2000 का नोट है, टैक्सी बुला दो, तो भाई वो आ गई अपनी टैक्सी, देखो पूरी बस मंगाई है दोनों भाइयों ने, मेरे से यात्रा को तो करो ऐसे ही मुझे लेते जाओ, खुल्लम खुल्ला फुल भाई, और चले गए दूसरी गाड़ी में और हम जा रहे हैं अपने लिए इस बस में, वो गए फुल बिच के और हम जा रहे हैं पूरा बिच के, पूरा खुल गए, अगले दो बैग संभालेंगे ये और पीछे खाली। चल भाई चल, तो बाय बाय होटल को, बाय बाय कर दो भाई, कितने का मालदीव, कितना होगा 262 बेडशीट के हिसाब से भाई, 24,000 रुपए के आसपास पहुंच गया, मतलब भाई 20 से 22,000 रुपए की चादर, इतनी तो नई मुझे लग रहा है, घर की डबल बेड की आ जाएगी, मैं तो सोया भी सिंगल बेड पे हूँ, डबल बेड की 2,500 रुपए की चादर होगी एक बेडशीट। सही है भाई, जैसे बाहर आदमी है उसे वैसे काटे जाओ,
चलो जी चली गई अभी। पहुंच गए भाई एयरपोर्ट और देखो भीड़ कितनी, ये हिमांशु ने ट्रॉफी कैरी करी हुई है। भाई साहब राम राम। इसके ऊपर रख लूं। हिमांशु तुझे भी कहीं ट्रांसफर करना है क्या? नहीं ना मूर्ख का की है मेरी बिना कहां जाएगा मैच लग गया ऑफिसर के। चलो लो जी फाइनली इमिग्रेशन हुआ कंप्लीट, अब चल रहे अपने गेट नंबर की तरफ। पांच नंबर है भाई। हिमांशु तू कैसे कटा कटा डोल रहा, कोई बात बात कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता, तो मसला बता मुझे अभी। या पैंट टॉप पर चढ़ाई डोलना पूरे में, चश्मे नहीं उतरे भाई लड़के के। सो भाई बर्गर किंग का बिल $91 अभी पहली नहीं दूसरी चीट भी होने वाली है। ये अपने ऑर्डर है डबल और तीन हम हैं ऐसे भी लेंगे। हाँ ये भी हमारा ही है हमारा ये लो भाई गेम ओवर। तो कैसा लगा भाई? आके बहुत बढ़िया लगा। नींद आ रही हो? नींद आ रही है। और करण भाई आपको कैसे लगा हमारे साथ 4-5 दिन? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। बहुत बढ़िया, दोबारा आना चाहूंगा। दोबारा आना चाहोगे हमारे साथ? इसके लिए डॉक्टर चॉइस से जुड़ा रहना पड़ेगा। लॉयल अगर तो जिंदगी का एक असूल अगर साथ रहना है तो लॉयल रहना पड़ेगा। अगर लॉयल नहीं रहोगे ना तो देखो लॉयल्टी चाहिए करो लॉयल्टी। हमारी चीज हमारे यहाँ तक यहाँ से बाहर। हाँ यहाँ का जो यहाँ खाया है ना उसे इन्हीं जो हमारे साथ तुमने खाया उसे मालदीव के बाथरूम में हक्के जाना। इंडिया वो भी इंडिया नहीं जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन बदतमीज आदमी है। और क्या भाई यहाँ का खाया यही हक तो बोला यार। सेम ले रहे हो सारी दो ही तो लिए हैं भाई। 2-5 45 चलो भाई के भी ले लेंगे ना। तो कहना ले लिए दो। हाँ चलो तो टांगे टांगे लड़खड़ा रही है। तो क्या हो गया भाई बाहर देश से है सब कुछ लड़खड़ाएगा। और देख लो मैं कोई अच्छी सी और कोई अच्छी है दोस्त बाहर लिए लीजिए भाई। वो आ गए अपने फरीदाबाद। जय हनुमान बाबा। जय हो महाराज। तो लो जी भाई आ चुका हूँ घर। रात के बज रहे हैं 12 और आंखों से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कितनी ज़्यादा थकान है क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल में निकल गया। कल रात जो हमारी थी उसमें थोड़ी सी मौज मस्ती करी वो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी होगी। तो सुबह 3 बजे सोए देन उसके बाद पूरा दिन ट्रैवल। बट इस बार थोड़ा सा कहूँगा कि हाँ भाई मैं घूमा भी हूँ, मतलब एक दिन एक रात कहीं घूमे फिरे भी हैं, कुछ देखा भी है। नहीं सारी कंट्रीज ऐसी चली जाती है, बस जाओ रूम जिम ढूंढो वर्कआउट करो ट्रेनिंग करो। तो घर आ चुका हूँ, करेंगे थोड़ा सा एक बढ़िया अपना प्रॉपर रेस्ट देन उसके बाद पहले अपना सबसे पहला कल उठते ही काम जो मैंने लिया है वो ये लिया है कि जाना है डॉक्टर के पास, दोनों हाथ दिखाने हैं पैर दिखाना है क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा जीवन भी जीते हैं, घूमना फिरना भी अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलो कल मिलता हूँ आप लोगों से। यही था अपना पूरा ट्रैवल, मतलब मालदीव से फरीदाबाद अपने NCR आने का सफ़र। तो ऐसे आप लोग चैनल को थोड़ा प्यार दे रहे हो भाई, ऐसे डेली प्यार देते रहो ताकि मुझे भी आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ बताने में, अच्छी चैंपियनशिप
तक जाने में मजा आता रहे। तो यही था अपना दिन आज का। अच्छी लगे वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है। बाकी भाइयों खुश रहो, खाते पी रहो, मम्मी पापा से प्यार करो और माँ बहन की इज्जत करो।